मैं डॉक्टर रवि महाजन हाँ जी। मैं अमनदीप ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल का चीफ प्लास्टिक सर्जन हाँ। गायनेकोमैस्टिया की जी प्रॉब्लम है वो आजकल काफ़ी कॉमन देखी जाती है और गायनेकोमैस्टिया का मतलब है कि मर्दा दियाँ छातियाँ का आकार या साइज़ जोड़ा वध जाना और खासकर जोड़े यंग अडल्ट हैं और खासकर जोड़े एडोलेसेंट बच्चे हैं उन्होंने ये बहुत ज़्यादा एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होंगे उन्होंने एक हीन भावना जी पैदा होंगी है और उन्होंने अपना जोड़ा कॉन्फिडेंस है वो लूज़ हो जाता है और बहुत बारी ये भी देखा गया है कि उन्होंने नाल दे बच्चे जोड़े है और उन्होंने कई बार टीज़ भी करते हैं और इदा दियाँ भी कई बार सूँ एग्जाम्पल्स मिलिया जिदे बच्चे जोड़े हॉस्टल रहंदे होए पढ़ाई छड़ के घर वापस आ जाते हैं। सो जे किसी बच्चे ने इस तरह की प्रॉब्लम हैगी गायनेकोमैस्टिया की तो वह बहुत सिंपल इलाज है वो एक बड़ी सिंपल सर्जरी है क्योंकि ये सर्जरी जी है बहुत छोटे कट्स के द्वारा की जाती है जिदे नाल कोई भी छाती के उत्ते किसी तरह का कोई खास निशान नहीं रहिंदा और असी ये सर्जरी जी है डे केयर सर्जरी की तरह करते हैं कि पेशेंट को सेम डे दाखिल करके तो शाम को डिस्चार्ज कर जाता है और असी ये देखा है कि इस सर्जरी तो बाद इन्ह बच्चों का जोड़ा कॉन्फिडेंस है वो बहुत बढ़ जाता है उन्होंने हीन भावना खत्म हो जाती है और उन्होंने साइकोलॉजिकली इसका जोड़ा वो बहुत बेनीफिट होंगे। सो मैं खासकर जोड़े पेरेंट्स है उन्होंने सुजैसट करना चाहवागा कि जे इस तरह गायनेकोमैस्टिया की वजह के नाल बच्चों को साइकोलॉजिकल इफैक्ट आ रहा हो तो उन्होंने सर्जरी जरूर करवा लेनी चाहिए है क्योंकि ये बहुत ही जी है वो फायदेमंद होंगी है उन्होंने डिवेलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू नाल खासकर जी साइकोलॉजिकल डिवेलपमेंट है वो व्यू पॉइंट नाल। इस तरह का एक पेशेंट जिहदे असी इस तरह का एक ऑपरेशन किया सी उहदा टेस्टीमोनियल तुहाडे सामने है। माय नेम रोहित, मैं पिंड करनंगल दा जिला अमृतसर तो मैनूं जिहड़ी गायनेकोमैस्टिया दी प्रॉब्लम थी ये मैनू डॉक्टर द्वारा पता लगी है। ये मैनू प्रॉब्लम 6 साल तो थी तो ये प्रॉब्लम लैके मैं बहुत ज़्यादा इरीटेट होंदा हाँ तो स्टडी भी मैं काफ़ी वीक जहाँ हाँ तो मैं अपनी लाइफ में इंजॉय नहीं करता हाँ बिल्कुल भी कि मैनू बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी होंदी थी अपने आप में इस चीज़ को लैके तो इस चीज़ में मैं यूट्यूब द्वारा देखा भी ये चीज़ गायनेकोमैस्टिया भी होंदी है तो फैट भी होंदी है तो वैसे ब्रेस्ट में कई बार फैट भी होंदी है तो पर मैं बड़ा देखा भी जिम वगैरह सब कुछ ला के देखा पर कोई रिजल्ट नहीं आया। फिर ये मेरे चाचा जी या डॉक्टर ने उन्होंने मैं रैकमेंड किया डॉक्टर रवि महाजन बारे मैं इन्होंने मिलिया तो इन्होंने इस चीज़ का पता लगा भी मेरी गायनेकोमैस्टिया की प्रॉब्लम है। इन्होंने मैं डॉक्टर रवि महाजन में पहले मैं यूट्यूब से देखा सी इस चीज़ में लैके बाद इन्होंने डॉक्टर द्वारा मैं इतने विजिट किया इस हॉस्पिटल अमनदीप हॉस्पिटल तो डॉक्टर द्वारा दसिया गया कि ये मेरे सर्जरी होनी है तो जो मेरे लाइपोसक्शन हुई है मेरे बिना कट तो निप्पल के साइड बिना कट तो मेरी सर्जरी हुई है लाइपोसक्शन द्वारा। मैं बहुत ज़्यादा मैं हैप्पी ना हूँ क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा खुश हाँ तो मैं डॉक्टर रवि महाजन जी का थैंक करता इस अमनदीप हॉस्पिटल का भी थैंक करता।